केंद्र सरकार ने मंगलवार को ऐलान किया कि वह सेना में अग्निपथ स्कीम के तहत चुने गए युवाओं को 4 साल पूरे करने के बाद CPF और असम राइफल्स जैसे बलों में 10% आरक्षण देगा। गृह मंत्रालय की तरफ से ट्वीट में कहा गया है कि अग्निवीरों को इन दोनों केंद्रीय बलों में भर्ती के लिए उम्र की अधिकतम सीमा से भी 3 साल ज्यादा तक की छूट मिलेगी। वहीं अग्निवीरों के पहले बैच के लिए यह छूट 5 साल की होगी। सरकार की तरफ से यह ऐलान ऐसे समय में आया है जब पूरे देश में अग्निपथ स्कीम को लेकर युवा सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के जहानाबाद में आज फिर प्रदर्शनकारियों को एक गुट ने बसों और ट्रकों में आग लगा दी। फिलहाल इस स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कई जिलों में धारा 144 लगाई गई है, साथ ही इंटरनेट भी बंद करने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार ने इससे पहले अग्निवीरों के भविष्य को लेकर कई तरह के आश्वासन दिए। सरकार ने कहा था कि जहां अग्निपथ स्कीम में शामिल होने वाले युवाओं में 25% 4 साल बाद सीधे सेना का हिस्सा बन जाएंगे, वहीं बाकियों को अन्य भर्तियों में प्राथमिकता मिलेगी। भाजपा शासित राज्यों जैसे असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा ने ऐलान किया था कि वे राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे।